इसको धन वृक्ष बोलते हैं। क्या पेगन जात के आदिवासी इसका उपयोग करके अरबों रुपया को आकाश से मंगाते थे। ये गुप्त रहस्यमय रूप है जिसको बाहर नहीं पाड़ा जाता, बाहर दिखाया नहीं जाता है। हरा पेन होना चाहिए आपके पास। क्या होना? कुछ नहीं करना। देखो चलो आपको दिखे जैसे लिखता हूं ताकि आपको आनंद आए। क्या किया मैंने? कोई बहुत बड़ा तकलीफ वाला है? सिंपल में कर दिया ना। अभी इसको कुछ नहीं करना। मैं क्या बना रहा हूं? इसको धन वृक्ष बोलते हैं। क्या पेगन जात के आदिवासी इसका उपयोग करके अरबों रुपया को आकाश से मंगाते थे। ये गुप्त रहस्यमय रूप है जिसको बाहर नहीं पाड़ा जाता, बाहर दिखाया नहीं जाता है, लेकिन भारत का हर व्यक्ति सक्षम हो ये भाव से मैं ये बाहर दिखा रहा हूं। इसको क्या है? धन वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कभी देखो मैं इलायची बरास पर्स में रखने भी बोलता हूँ कि समृद्धि बना रहेगा ये रखो, लेकिन जब वो उसका समय पूरा हो जाता, सुगंध खत्म हो जाता तो फिर वो काम नहीं करता। समझा ना? उपाय में वस्तु अगर उसकी शक्ति खो लेती है तो बाद में काम नहीं करेगी, लेकिन ये लंबे समय तक, कम से कम 6 महीना तक काम करेगा। फिर इसको पानी में डाल के नए पेपर में लिख के रख लेना। एकदम पुराना हो रहा है पेपर लेकिन रकड़ते बैठे हैं, ऐसे रकड़ना नहीं। इसको लिखने कितनी देर लगे? मैंने कितनी देर में लिखा ये? एक सेकंड में लिखा है। 5 सेकंड का ही हुआ। या जोड़ना है। समझ गया? समझ गया? पहले ही लिख दिया था इसलिए अब डबल लिखने से थोड़ा गड़बड़ होगा। बहुत सिंपल है। स्वस्तिक लिख के उसके जो भी कोने हैं उसको बीच में यहां लाके ऊपर जॉइंट करके देखो। माँ भीगने लगी। मैं बोला ना कि सावन कथा होगी तो माँ भीगेगी। जय जय गुरुदेव। कितना धूप पड़ रहा था, देखा ना कितना धूप पड़ा, लेकिन माँ को भीगना है। देखो यहाँ एक एरो बनाना है। ये एरो क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये 4 बस। इसमें कोई टीका नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। इतना छोटा सा पेपर में बना के अपने पर्स में रख लो, थोड़ा सा बड़ा बना के अपने कैश बॉक्स में रख लो। कहीं भी इसको लगाना तो कहीं लगा लो, लेकिन कम से कम आप 48 दिन सोते समय इसको देखते देखते सो, ऐसे देखते सो। ये वो डिजिट है जो अल्फाबेट में बदलता है, यानी इसको देखने वाला आंख से बराबर इस ऊर्जा को ले लेता है तो वो समृद्धि के रूप में बदल के आपके जीवन में आ जाता है। ऐसा एक रहस्यमय सिंबल है। इसको साइको सिंबोलॉजी कहते हैं। इसको साइको सिंबोलॉजी कहते हैं। साइको सिंबोलॉजी में पैगन आदिवासी इसका उपयोग करके आकाश से देवताओं से धन मंगाते थे उस जमाने में। तो ये विद्या का नाम उन्होंने धन वृक्ष रखा। धन वृक्ष यानी जैसे एक बीज बोते हैं तो वो वृक्ष बन के हजारों फल, फिर उसमें से बीज निकल के हजारों फल देता है। ये जिसके पास होता है उसका 1 रुपया वृक्ष की तरह बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है और आगे आगे फल बनता ही जाता है, कमी नहीं आती है। और वो कृष्णगिरी आके खूब दान करता है। क्या करता है? जय जय गुरुदेव। फिर वो कृष्णगिरी आके दिखाता है अपनी शक्ति। अभी तो मैं शक्ति दिखा रहा हूं, भविष्य में आप शक्ति दिखाएं, ऐसी भावना।